मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। माँ और बच्चे का रिश्ता दुनिया में सबसे अहम और अनमोल होता है। माँ से रिश्ता होने के बाद ही एक बच्चा बड़ा होने तक अपने जीवन में कई और रिश्तों को अपना सकता है। माँ की ममता और प्यार हर इंसान के लिए बहुत जरूरी होती है। माँ बच्चे की इस जरूरत को बिना किसी स्वार्थ के पूरा करती है। वैसे तो हर माँ अपने बच्चे पर अपना पूरा जीवन कुर्बान कर देती है, बच्चे की खुशी में खुश और तकलीफों में दर्द बांटती है। ऐसे में बच्चे अपनी माँ के लिए कुछ खास करना चाहते हैं। माँ की इसी ममता और प्यार को सम्मान देने के लिए एक खास दिन होता है, इस दिन को मदर्स डे कहते हैं। हर साल मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। लोग इस दिन अपनी माँ को खास महसूस कराकर उन्हें ये बताने की कोशिश करते हैं कि उनके जीवन में माँ की क्या भूमिका है। मदर्स डे सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि मदर्स डे मई महीने के दूसरे रविवार को ही क्यों मनाया जाता है? मदर्स डे मनाने की शुरुआत कब और क्यों हुई, चलिए जानते हैं मदर्स डे के इतिहास, महत्व और इस खास दिन से जुड़ी एक कहानी। मदर्स डे दुनिया भर में मई महीने के दूसरे रविवार के दिन मनाया जाता है। साल 2022 में मदर्स डे 8 मई को मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने की शुरुआत औपचारिक तौर पर 1914 में हुई थी। मदर्स डे मनाने की शुरुआत एना जॉर्विस नाम की एक अमेरिकी महिला ने की थी। एना अपनी माँ को आदर्श मानती थी और उनसे बहुत प्यार करती थी। जब एना की माँ का निधन हुआ तो उन्होंने कभी शादी ना करने का फैसला करते हुए अपनी माँ के नाम अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने माँ को सम्मान देने के लिए मदर्स डे मनाने की शुरुआत की। उन दिनों यूरोप में इस खास दिन को मदरिंग संडे कहा जाता था। एना के इस कदम के बाद अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने औपचारिक तौर पर 9 मई 1914 में मदर्स डे मनाने की शुरुआत की। इस खास दिन के लिए अमेरिकी संसद में कानून पास किया गया, जिसके बाद मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाने का फैसला लिया गया। बाद में मदर्स डे को मई के दूसरे रविवार के दिन मनाने की स्वीकृति अमेरिका समेत यूरोप, भारत और कई अन्य देशों ने भी की। वैसे तो हर दिन माँ और बच्चों के प्यार का है, लेकिन बच्चे अपनी माँ को खास महसूस कराने, उनके मातृत्व और प्यार को सम्मानित करने के उद्देश्य से मदर्स डे मनाते हैं। पिछले कुछ दशकों में माँ को समर्पित इस दिन को बहुत खास तरीके से मनाया जाता है। इस दिन लोग अपनी माँ के साथ समय बिताते हैं, उनके लिए गिफ्ट या कुछ सरप्राइज प्लान करते हैं, पार्टी का आयोजन करते हैं और माँ को बधाई देते हैं, उनके प्रति अपने प्यार और लगाव को जाहिर करते हैं। लाइव यूपी न्यूज 24 की तरफ से आप सभी को हैप्पी मदर्स डे।